तो यार, अगर तुम बेंटेन के फैन हो या फिर कभी रहे होगे तो फिर तुमने इन एलियंस को तो देखा ही होगा, जो कि बेंटेन क्लासिक के सभी एलियन के फ्यूजन रहते हैं, वो भी बेंटेन क्लासिक के आर्ट स्टाइल में। और इस वीडियो में मैं आप लोग को एक बेसिक से क्वेश्चन का आंसर दूंगा कि बेंटेन की ये फ्यूजन एलियन ऑफिशियल है कि भी नहीं, और अगर है भी तो इनमें से कौन कौन से एलियन ऑफिशियल है और ये सब एलियन हम लोग को देखने कहाँ मिले थे, और भी बहुत कुछ। तो फिर हाँ यार, बेंटेन फ्यूजन एलियन को जानते हो तो फिर ये वीडियो बहुत गजब की होने वाली है तुम्हारे लिए। तो फिर बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। तो गाइस, आज तक के तुमने जितने भी बेंटेन क्लासिक के फ्यूजन एलियन को देखा है, वो सभी फ्यूजन एलियन की शुरुआत हुई थी बेंटेन क्लासिक के एपिसोड डॉक्टर एनिमो एंड द म्यूटेंट रे में, जिसमें अपना बेंटेनिसन ओमनीट्रिक्स के साथ कुचकनी करते रहते हैं और उसकी वजह से ओमनीट्रिक्स की फेस प्लेट टूट जाती है। और फिर बाद में जब इसी टूटे हुए ओमनीट्रिक्स के साथ अपना बेन एलियन में ट्रांसफॉर्म होता है, तब हम लोग को दिखाया जाता है पूरे बेंटेन सीरीज का पहला फ्यूजन एलियन स्टिंगकाम। और इसके अलावा इस एपिसोड में और दो फ्यूजन एलियन दिखाए जाते हैं, डायमंड मर्ड और हिट जॉस। और मेरे हिसाब से ये तीनों के तीनों फ्यूजन एलियन बहुत ही ज्यादा गजब के थे। इवन पब्लिक को भी ये एलियन बहुत ज्यादा पसंद आए, जिसकी वजह से कार्टून नेटवर्क वालों ने इसी एपिसोड से इंस्पायर होकर बहुत ज्यादा फ्यूजन एलियन बना लिए, जिनको इन लोग ने कभी भी एपिसोड में नहीं दिखाया। लेकिन फिर भी ये सब एलियन को तो पब्लिश करना ही था, तो फिर कार्टून नेटवर्क वालों ने अपना दिमाग लगाया और कार्टून नेटवर्क वेबसाइट में एक गेम लॉन्च करा जिसका नाम था डीएनए लैब। अब ये गेम खेलने के नाम से तो बहुत ज्यादा गजब का नहीं था, लेकिन जो इस गेम में हम लोग कर सकते थे ना, वो चीज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग थी, जिसमें हम लोग अपने हिसाब से दो डिफरेंट एलियन को मर्ज करके देख सकते थे कि कैसा दिखेगा इनका फ्यूजन। लेकिन कुछ एलियन ऐसे भी थे जो कि अवेलेबल नहीं थे इस गेम में, और रिप जॉस इस गेम में इकलौता ऐसा केस था जिसका कोड सर्च करने में तो दिखाता था लेकिन वो वर्क नहीं करता था। इसके अलावा इस गेम में ग्वेन और विलगैक्स भी थे, जो कि किसी और के साथ मर्ज नहीं होते थे, सिर्फ अपने साथ ही मर्ज होते थे। और ट्रस्ट मी, तुमने बचपन से लेकर आज तक जितने भी बेंटेन क्लासिक के फ्यूजन एलियन देखे होंगे, वो सब इसी गेम की देन है। आफ्टर ऑल ये गेम एक ऑफिशियल गेम है, जिसके अंदर दिखाए गए सारे फ्यूजन एलियन ऑफिशियल है, ना कि कोई फैन मेड। अब एक बहुत ही ज्यादा जरूरी बात कहने जा रहा हूँ मैं, क्या तुम इस गेम को खेलना चाहते हो? अगर हाँ तो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चेकआउट करो। और हाँ एक बात और, अगर तुम इस गेम में जाके किसी भी एलियन का नाम यूज कर रहे हो तो वो तुम्हें नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये गेम का रूल है हर एक एलियन का एक कोड नेम है जो कि तुम्हें स्क्रीन में शो हो रहा होगा। और ग्वेन और विलगैक्स को मिला के इतने ही एलियन अवेलेबल है इस गेम में, लेकिन तुम इन्हीं एलियन को मर्ज करते चलोगे तो कम से कम 100 फ्यूजन एलियन की पॉसिबिलिटीज बन जाएगी। और मेरी मैथ्स थोड़ी सी वीक है, तो फिर तुम कमेंट करके बता देना कि इसमें टोटल 105 फ्यूजन एलियन है कि नहीं, क्योंकि जब मैं खेल रहा था तब मैं एक जगह पे नोट करके नहीं रखा था, तो गलत भी हो सकता है। और हाँ, जब मैं इस वीडियो में वर्क कर रहा था तब मेरी बचपन की बहुत सारी यादें ताजा हो गई, और जो चीज मेरे को याद आई वो थी कि ये सभी फ्यूजन एलियन हम लोग को पहले कार्ड्स में मिलते थे, और वो कार्ड्स एक्चुअली में जेम्स बॉक्स के अंदर छपे रहते थे जिनको फाड़ के निकालना पड़ता था। आपको ऐसा कुछ याद है कि नहीं, कमेंट करके बताओ। और हाँ, वो जेम्स बॉक्स एक्चुअली में कैडबरी जेम्स नहीं था। तो हाँ यार, इन कार्ड्स के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो आएगी, क्योंकि मेरे को मालूम है जब मैं छोटा था तब इन कार्ड्स का जो क्रेज था ना मेरे मोहल्ले में, क्या बताऊं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि इस वीडियो में बेंटेन के बारे में कुछ नया जानने मिला, तो फिर मेरी बाकी की वीडियो भी जाके देख लेना प्लीज। तो हाँ यार, आज के लिए बस इतना ही। बेंटेन कार्ड्स के बारे में जो एक्साइटमेंट है मेरे अंदर, उसके ऊपर एक वीडियो तो बनेगी, जिसमें एब्सोल्युटली तुम्हारे बचपन की भी यादें ताजा हो जाएगी, अगर तुम उस समय के हो तो। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।